पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान से बार बार धोखा खाने के बाद भारत ने अब तक हालात संभालने और माहौल को बेहतर करने की ही कोशिश की है। इस बार भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक हुई लाहौर यात्रा के बाद कुछ ऐसी ही उम्मीद जगी थी, मगर पठानकोट में गूंजी गोलियां रिश्तों में नई कड़वाहट का इशारा दे रही हैं। बारूद फैल गया फिजा में। सवाल अब न केवल पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के इकबाल पर उठ रहा है, बल्कि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकार, सेना और आईएसआई समेत कई पार्टों में बटे पाकिस्तान से किसी भी तरह की दोस्ती मुमकिन है। आज एजेंडे में चर्चा इसी पर। वो जो सामने से गया वो 2015 था, बस खत्म ही हो रहा था, रिश्तों में नई उम्मीद जगी, साल की शुरुआत में ही उस पर पलीता लग गया। एक बार फिर पाकिस्तान ने दोस्ती की आड़ में धोखा दिया। सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान ने जो गर्मजोशी 25 दिसंबर को दिखाई थी वो धोखा थी, या आज जो हुआ हमला नवाज शरीफ की बेबसी है? आखिर हर बार दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट आतंक की शक्ल में क्यों मिलता है? सवाल यह भी है कि क्या पठानकोट के बाद रिश्तों की गाड़ी दोबारा बेपटरी हो जाएगी? ये तस्वीरें 25 दिसंबर की हैं। रूस से वाया अफगानिस्तान भारत वापस आने के तय कार्यक्रम में अचानक बदलाव की खबरें आई। प्रधानमंत्री मोदी का विमान दिल्ली की बजाय लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। ये घटना साधारण नहीं थी, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत पाक के रिश्तों का तनाव चरम की ओर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था। पीएम मोदी की सरप्राइज विजिट ने डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर सियासी जमात तक को हैरत में डाल दिया था। यूं लगा जैसे रिश्तों की बर्फ अब पिघल कर रहेगी। मोदी नवाज की दोस्ती में नए आगाज का असर दिखा था, मगर ठीक एक हफ्ते बाद क्या हुआ खुद देखिए। पठानकोट एयरबेस पर अल सुबह 3 बजे गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आर्मी की वर्दी में आए आतंकियों ने दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदले में हमारे जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन निपट गया, मगर सवाल छोड़ गया, दोस्ती का बदला दहशत क्यों? अमन की कोशिश के बदले आतंक क्यों? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इसको कंट्रोल करें कि ऐसी हरकत ना हो। ये अलर्ट हो गया था, हो सकता है अगर टाइमली अलर्ट ना होता तो ज्यादा नुकसान होता। एक बार फिर अतीत बदला नहीं, वही रहा जो इतिहास में दर्ज था। दोस्ती की हर कोशिश के ठीक बाद दुश्मनी के बीज बोने की कवायद। सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत ऐसी ही है, या फिर नवाज शरीफ बेबस हैं पाकिस्तान की उस सुपर सरकार के सामने जिसके आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि पाकिस्तान चाहे लाख दलीलें दे। खुफिया एजेंसियों ने यह लगभग साफ कर दिया है कि पठानकोट हमले में शामिल सभी आतंकी पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, और इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बकायदा मीटिंग करके प्लानिंग को अंतिम रूप दिया था। आतंकियों की डिकोड में की गई बातें भी इंटरसेप्ट हुई थी, जो सबूतों के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। 6 महीने में पंजाब पर दूसरी बार हुए हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत पाक की बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ेगी या फिर वहीं ठहर जाएगी जहां से चलनी शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री को भी यह समझना चाहिए कि जब तक वहां की पूरा
शासन प्रशासन पूरी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें फौज और आईएसआई शामिल है, वो रजामंदी और सहमति के पीछे नहीं हो तभी हमले होते हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि आज ये हमला हुआ होता। यह हम आग बंद करके बोल सकते पाकिस्तान के होते हैं। पठानकोट के बहुत ही सेंसिटिव एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ है, ये बहुत ही गंभीर और चिंता की बात, चिंता का विषय है। जिसका डर था आखिर वही हुआ है। शिवसेना ने बार बार यही कहा है कि वार्ता पाकिस्तान के साथ पीस टॉक और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान में किए गए सरप्राइज विजिट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जहां दिल खोलकर तारीफें हुई थी, वहीं भारत में विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के भी कई घटक दलों ने विरोध दर्ज कराया था। ऐसे में अब जबकि एक बार फिर सरहद पार के नापाक मंसूबों ने देश का सीना छलनी किया है, तो यकीनन आगे होने वाली दूसरी कोशिशों पर भी सवाल उठेंगे, जो कहीं ना कहीं भारत पाक के बीच भरोसे के रिश्तों की गुंजाइश को कमजोर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। पाकिस्तान में सरकारों की भारत को लेकर नीतियों को देखा जाए तो यह पता चलता है कि यहां लोकतांत्रिक सरकारें कम बनी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कम रही, और जब बनी भी तो असल बागडोर उनके हाथ में नहीं बल्कि घूम फिरकर फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ में ही रही। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की हर कवायद पर हर बार फौज ने ही ग्रहण लगा दिया। एक बार फिर से पठानकोट में हुए हमले ने पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलने नहीं दिया और पाकिस्तान में जमहूरियत और फौज के बीच का टसल टकराव भारत पर हमले के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान की सत्ता से परवेज मुशर्रफ के बेदखल होने के बाद से अब तक पाकिस्तान की सेना पर्दे के पीछे रहकर ही मुल्क की सियासत में काम कर रही थी, लेकिन देश में लोकतांत्रिक सरकार का बोझ सेना कब तक सहती रहती? पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले अब सेना की बेचैनी को समझ रहे हैं। 1998 से लेकर 1999 के बीच कई बार चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करने वाली फौज को जमहूरी ताकतों के आगे अब अपनी ताकत छीनने का डर सताता ही रहता है, इसलिए वो कभी भी पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत नहीं बने रहना देना चाहते। अपने अब तक के कार्यकाल में नवाज शरीफ की सरकार ने अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के साथ संबंधों को बेहतरी की ओर बढ़ाने की तमाम कोशिशें की है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की नवाज शरीफ की मुहिम ने उनकी इमेज दुनिया भर में काफी पॉजिटिव बनाई। कई बार भारत के साथ अब तक खराब रहे संबंधों पर अफसोस भी जताया, तो कई बार भारतीय प्रधानमंत्री से अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें भी की, लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना को ये सब रास आया है? नवाज शरीफ की बात नहीं है, वहाँ जो भी प्रधानमंत्री होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती। पाकिस्तान में जो सेना है वही सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, और वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो या इलेक्शन कमीशन हो या इस तरह के जितने भी जो डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देती। ये सच है कि जब भी नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ गईं। जब शपथ ग्रहण समारोह में नवाज आए तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जब सार्क में दोनों नेता मिले तब भी गोलीबारी होती रही। जब उफा में नवाज और मोदी हाथ मिला रहे थे तब भी सीमा पर गहमा गहमी बड़ी हुई थी। उसके बाद गुरदासपुर का अटैक और अब दोनों नेताओं की करीबी देखते हुए पठानकोट में बारूदी हमले, बात सीधी है, नवाज डैमेज कंट्रोल करें, उससे पहले ही पाकिस्तानी फौज उनकी पॉलिसी से उलट चालें चल देती है। जब भी से वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, सिविलियन गवर्नमेंट आती है पावर में, उसकी कोशिश होती है हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन करने के। नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन कम्पेन में भी वायदा किया था, फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ गृह समारोह हुआ उसमें भी वो आए, फिर उसके बाद उफा में भी अभी उन्हीं ने रशिया में बातचीत की, तो वहाँ की सेना ने उसका पोजीशन किया था, पहले भी किया था, अब की भी कर रही है,
और ये एक सोची समझी साजिश के तहत सेना वहाँ पे ये सब काम कर रही है। जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, तब भी फौज इमरान खान की तरफ खड़ी दिख रही थी, जो बाद में पर्दे के पीछे नवाज और फौज के समझौते के बाद इमरान के सिर से हाथ हटाने को तैयार हुई। जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में ही जब नवाज इतने कमजोर पड़ जाते हैं, भारत को लेकर पॉलिसी तय करना तो उनके लिए दूर की कौड़ी हो जाती है। जहां फौज की इजाजत के बगैर कोई फैसला लेना नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि नवाज कहते कुछ भी हैं, होता वही है जो सेना चाहती है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में जब दुनिया आतंकवाद को लेकर एकजुट दिखी, तो पाकिस्तान में सेना भी बैकफुट पर जाने लगी। ऐसे में नवाज को ये मौका मिल गया कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते फिर से सुधार ले। भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से भी उन्हें पॉजिटिव जेस्टर्स मिल रहे थे, लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले ही आतंकियों का नया कारनामा सामने आ गया। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी फौज दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। ऐसे में बात साफ है कि पाक में प्रधानमंत्री कुछ भी चाह ले, प्लान का अमल में आना सेना की हिमायत या हिमाकत पर ही निर्भर करता है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और धोखे की कहानी नई नहीं है। जब जब भारत ने दोस्ती की कोशिश की, बातचीत का दौर आगे बढ़ाने के प्रयास हुए, बदले में धोखा मिला। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान की नीयत में ही धोखा है, या हम ही पाकिस्तान की फितरत को समझ नहीं पाते और जानते समझते हुए भी धोखा खा जाते हैं। नौ दिन पहले की तस्वीरें ये थी, नौ दिन बाद की तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं। फिर वही कहानी दोहराई गई, फिर वैसा ही हुआ जैसे पहले हो चुका है। फिर दोस्ती के बड़े हाथों पर खून के छींटे पड़े हैं, फिर भारत के भरोसे पर पाकिस्तान का पाप भारी पड़ा है। सवाल ये कि क्या पठानकोट ने लाहौर को फेल कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैंने दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ मिलकर काम करने की पैरवी भी की। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को मई 2014 में भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अन्य सार्क देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित किया था। ये निमंत्रण पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने जुलाई 2015 में उफा में मुलाकात की और इस बात पर सहमत हुए कि शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। दरअसल अतीत को भूलकर भारत ने हर बार रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसी कोशिश का एक मुजाहरा हुआ था 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस यात्रा के जरिए दिलों के तार जोड़ने की कोशिश की थी। इत्तेफाक ही कही कि उस वक्त भी पाकिस्तान के हुक्मरान मियां नवाज ही थे। गर्मजोशी से गले मिलकर रिश्तों की बस सरपट दौड़ने की कवायद भी लाहौर से ही शुरू करने की कोशिश हुई थी उस दौर में। मगर हुआ क्या, पाकिस्तान ने हम पर कारगिल थोप दिया। शरीफ अटल गले मिल रहे थे तो पाक सेना कारगिल में घुसपैठ करा रही थी। नतीजा, बातचीत की गाड़ी बेपटरी हो गई। कारगिल के दर्द को भी भारत ने भुलाने की कोशिश की। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को अटल जी ने आगरा बुलाया था शिखर वार्ता के लिए। ये साल था जुलाई 2011 का, मगर आगरा शिखर वार्ता कामयाब नहीं रही और दिसंबर 2001 में हमारे लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन नापाक आतंकी निशाने पर आ गया। एक बार फिर रिश्तों की कड़वाहट भारी पड़ गई। हर कोशिश पर भारत ने फिर भी उम्मीदें नहीं छोड़ी। सितंबर 2008 में दोनों देशों ने पुरानी बातें भुलाकर आपसी कारोबार को बढ़ाया, लेकिन एक बार फिर नतीजा नवंबर 2008 में आया, मुंबई हमले के तौर पर। देश में नई सरकार बनने के बाद मई 2014 से लेकर अब तक भारत पाक के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए हैं।
पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीक हुए तो यूं लगा कि जैसे रिश्तों की कहानी अब नए सिरे से गढ़ी जाएगी, मगर बार बार सीज फायर उल्लंघन और अलगाववादियों के प्रति पाकिस्तान के रुख ने माहौल को बनने ही नहीं दिया। अचानक 6 दिसंबर 2015 को बैंकॉक से एनएसए अजीत डोवाल की पाकिस्तानी समकक्ष नासिर जाजुआ के साथ तस्वीरें मीडिया में आई, पता चला लंबी मीटिंग हुई है। रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने के संकेत मिले और साल जाते जाते 25 दिसंबर को मोदी ने लाहौर अचानक पहुंचकर तो कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक ही लगा दिया, मगर अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। मोदी की पहल का जवाब पठानकोट के हमले के तौर पर मिला है। रिश्तों की तासीर एक बार फिर ठंडी पड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान का भरोसा भारी पड़ता दिख रहा है। कूटनीति के सूरमाओं को इसे समझना होगा, साथ ही देश की आवाम को समझना होगा कि आखिर हर बार धोखा खाने के बाद भी हाथ आगे हम ही क्यों बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। पाकिस्तान की फितरत हिंदुस्तान जानता है, इसके बावजूद हम अपनी तरफ से जो प्रयास होते हैं, हमारी सरकारें जो प्रयास होती हैं उसको करती रहती है माहौल को और कुछ बेहतर करने के लिए, पड़ोसी के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को भारत पर थोपता है, अब एक बार फिर से पाकिस्तान का इतिहास जरूरी है कि हम टटोलते चलें। पाकिस्तान जिस समय बना वहां से लेकर के आज 2015 तक का अगर इतिहास देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर 10 साल के बाद वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है और मिलिट्री शासन आ जाता है। 2017 वो समय है जब लोकतंत्र की वहां पर खात्मे की स्थिति बन सकती है, सेना आ सकती है। हिंदुस्तान के साथ जो वो कर रहा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खतरे बढ़ रहे हैं ये भी पाकिस्तान को देखना होगा।